क्या हाल है मेरे भाइयों अच्छा मैं ना अभी पंद्रह मिनट पहले पोलैंड पहुंचा हूं पोलैंड में मेरी ससुराल है तो मेरी जो वाइफ जो है वो बाय बर्थ फ्रेंच है पर बाय ब्लड पोलिश है मतलब मम्मी पापा उसके पोलिश हैं वो भी फ्रांस में ही रह रहे हैं पर इधर हम लोग आते रहते हैं तो साल में भाई जैसे मैंने पुरानी वीडियोज़ में भी बताया तुम्हें कि साल में मेरे दो तीन चक्कर फ्रांस के फ्रांस के रहा पोलैंड के लग जाए आराम से भाई पहले तुम्हें एक चीज़ बताऊँ जैकििनोस की मेरी ट्रिप कमाल मज़ेदार बेस्ट ट्रिप सोफार खूब साइट सींग करी बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें देखी पर जो सबसे बढ़िया मस्त एक्सपीरियंस मेरा रहा वो साइट सीइंग से रिलेटेड नहीं है वो ग्रीस से भी रिलेटेड नहीं है वो है रिलेटेड एक पाकिस्तानी बंदे से जिससे मैं मिला जैकिथोस में मेरी ट्रैवल के दौरान तो हमारी ट्रिप ख़त्म होने से दो दिन पहले हमने देखा भाई कि वहाँ हॉर्स राइडिंग का भी सीन है बढ़िया एकदम तो भाई घोड़े की सवारी के लिए हमने फ़ोन करा बुकिंग करी वहाँ पे गए एक मैडम थी वो मैडम को पैसे दे दिए मेरे ख्याल से साठ यूरो या पैंसठ या सत्तर यूरो लिए उसने एक घंटे के मस्त घोड़े थे भाई एकदम अच्छा अगले दिन हम लोग तैयार होके हमारी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई कि बारह से और एक तक हम लोग घोड़े की सवारी करेंगे तो हम वहाँ पे गए अगले दिन वो मैडम थी उसका लड़का था एक गोरा कोई उस तो बंदे ने कह दिया ठीक है इन एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी कोई इशू नहीं है एक बंदा हमारा तुम्हारे साथ रहेगा जो घोड़े की लगाम पकड़ के चलेगा और तुम लोग आसानी से घोड़े के ऊपर बैठ जाना और मस्त एकदम जाना तो भाई हम फिर अपना आराम से बैठ के साइड में हम उस बंदे का वेट करने लग गए जिसे आना था तब तो हमने देखा कि एक बंदा आ रहा मैंने कहा यार ये बंदा देसी लग रहा बिल्कुल मेरे दिमाग में मैंने कहा यार मैं पूछूंगा भाई कहाँ का ये बंदा ये तो पक्का भारत का या पाकिस्तान का दोनों में से एक जगह का है ये मैं क्या बताऊँ यार वीडियो देखो ये वाए, जिस तहजीब से वो बंदे ने बात करी एकदम एकदम सॉफ्ट स्पोकन बंदा सरल एकदम बंदा जैसे हमारे यहाँ बोल रहे हैं ना हिंदी में एकदम सरल यार हम घोड़े पे बैठे और मैंने उससे बात करी मैंने उसे बताया कि भाई मैं यूपी से हूँ उत्तर प्रदेश से और ये और वो कि मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे आया था तो मेरी कहानी खत्म करने के बाद मैंने उससे पूछा मैंने कहा भाई जब तुम बताओ अपने बारे में कुछ तो उसने भाई फिर अपनी कहानी बतानी चालू करी और भाई उसकी कहानी सुन के ना मैं हिल गया और ये रीजन है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज की ताकि तुम लोगों को भी उसकी कहानी बताऊं तो भाई उस बंदे ने बताया कि वो पाकिस्तान से है पंजाब गुजरात के एरिया से पंजाबी बोल रहा था बिल्कुल एकदम फ्लूएंट जैसे हमारे ना ठेठ एकदम पंजाबी तो भाई उसने बताया कि वो चौदह साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़कर चौदह साल की उम्र में पाकिस्तान छोड़कर इलीगल तरीके से डोंकी मार कर जिसे नहीं पता भाई डोंकी क्या है इलीगल क्या है वो प्लीज मेरी वीडियो देख लो मैंने अभी दो हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई इलीगल इमिग्रेशन की डोंकी के जिसमें मैंने सारी सिनारी एक्सप्लेन किए हुए ठीक है वो बंदा इलीगल तरीके से डोंकी मार के चौदह साल की उम्र में अपनी फैमिली छोड़ के मम्मी पापा और भाइयों को छोड़ के पाकिस्तान से तुर्की आया सात साल वो बंदा तुर्की में रहा भाई इतने बंदों ने उसे धोखा दिया भाई इतने बंदों ने उसे धोखा दिया जिसकी कोई हद नहीं एक्सप्लोइटेशन भयंकर देसी लोगों ने गोरों ने नहीं देसी ने देसी लोग हैं भाई हमारे जो सबसे हराम खोरो है वो जहाँ देख ले मैं कि ये बंदा भाई इलीगल तरीके से आया पूरा फायदा उठा ले मैं उसका भयंकर तरीके से तो सात साल उस बंदे ने बहुत धक्के खाए का, काम किया दिन रात मेहनत करी उसका उससे भाई झुठे वादे किए लोगों ने ये कर देंगे वो कर देंगे कुछ नहीं किया भाई सात साल तक उसके कोई पेपर नहीं थे इलीगल तरीके से रह रहा था सात साल के बाद फिर उसने डोंकी मारी डोंकी मार के और ग्रीस आया वो और ये डोंकी मारी उसने बोट से भाई बंदे ने कहानी में अपनी बताया कि जो उसके ग्रुप में जो लोग थे ना दो लोग उनमें से मर गए डोंकी के चक्कर में एक मेरे ख्याल से बोट वोट में कुछ पंगा हुआ या कुछ हुआ या भागने भूगने में कई बंदे दो बंदे मर गए तीन साल से वो ग्रीस में रह रहा है मतलब अब बंदे की उम्र चौबीस साल है तीन साल से वो ग्रीस में रह रहा है जैकिन था उसमें थैंकफुली उसे गोरी फैमिली मिल गई ये जहाँ पे हम हॉर्स राइडिंग करने गए भाई किसान लोग हैं मेन ये एक मैडम है मतलब आंटी जी है दादी अम्मा टाइप की साठ सत्तर सत्तर साल की होगी उसका घर है और उसका एक लड़का है उनके पास घोड़े वोड़े हैं वो लोग ये हॉर्स राइडिंग का बिजनेस चला रहे हैं और ये बंद थैंकफुली हॉर्स राइडिंग में एक्सपीरियंस है पाकिस्तान में इसने छोटी उम्र से ही काफ़ी घोड़े वगैरह ध्यान रखना घुड़सवारी वगैरह का उसे एक्सपीरियंस था तो यहाँ पे उसके काम आ गया अच्छा फ़ोन का मैं बताऊँ भाई उस बंदे ने ना उससे उसका कॉल आया कोई बीच में तो उसने अपना फ़ोन उठाया मैंने कहा भाई ये तो इतना छोटा सा फ़ोन काले रंग का नोकिया का नहीं था वो तो कोई लोकल चाइनीज़ जैसा हुआ ना गंदे से तो मैंने कहा भाई फ़ोन क्या फ़ोन दिखाई हो फोन इतना सा भाई और स्क्रीन टूटी हुई मैंने कहा भाई घर पर कैसे फ़ोन करा है तू घर वालों से कैसे बात करा है तो उसने कहा घर वालों से बात करने के लिए तो मैं भाई ये जो मालिक है मेरे इन लोगों से फ़ोन ले लेता हूँ व्हाट्सएप पे उनके व्हाट्सअप से कर लेता हूँ तो मैंने कहा ऐसे भाई ये लोग दे दे रहे कह रहा हाँ दे दे अगर जो दो तीन दिन में एक आध बार मैंने कहा भाई यो भाई मैंने कहा भाई तू इस सदी में आके इस फोन के साथ कैसे जी जीरा जीरा अकेला बंदा रह रहा एक अनजान जगह पे एक अननोन आइलैंड पे कोई देसी लोग नहीं है वहाँ पे इंडिया के बिल्कुल भी बंदे नहीं है वहाँ पे कोई पाकिस्तानी कोई बंदे नहीं है वहाँ पे छोटा सा आइलैंड है पूरा आइसोलेटेड है मैंने कहा भाई तू घर वालों किसी से तो कनेक्टेड रहता होगा कह रहा नहीं जब ये हॉर्स राइडिंग हमारी ख़त्म हुई उससे मैंने गुड बाय बोली मुझसे बोलना नहीं जा रहा था उस टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे कि उसे कुछ पैसे दे दूँ मैं यार घुड़सवारी हमने करी तो उसके बाद हम से बाय बाय करके चले गए अपने होटल वापस होटल पर जाते ही सबसे पहले मैंने मारा अपना फ़ोन फैक्ट्री रीसेट सारा डेटा वगैरह या जो भी बैकअप वगैरह था वो डाल दिया अपने कंप्यूटर में और फ़ोन पे मैंने मार दिया फैक्ट्री रीसेट मैंने कहा ये फ़ोन मैं इस बंदे को दूंगा तो भाई अगले दिन सुबह उठ के मैं वो बंदे से मिलने गया उसी के वहाँ जो फार्म हाउस पे जहाँ पे, पे वो काम करे थैंकफुली वो बंदा मुझे मिल गया आ, फिर हम लोगों ने थोड़ी देर बात करी जैसे तुम लोग देख रहे हो वीडियो में और फिर उसे मैंने फ़ोन दिया थोड़े बहुत पैसे दिए ये उसका रिएक्शन था भाई आ, तेरा नंबर ना मेरे फ़ोन में से गायब हो गया क्योंकि मैंने फ़ोन करा फैक्ट्री रीसेट अच्छा और ये इसलिए किया क्योंकि ये फ़ोन भाई मैं तुझे दे रहा हूँ अब ਕੀ ਰਹਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ 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 ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਨਹੀਂ 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 ਕੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਪਰ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਤभी बोल ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਆਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ यार, नहीं, बड़ा यार, की कसम ऐसी पर नहीं नहीं, ये भाई को तो मना करेगा भाई को मना नहीं, नहीं, कर, नहीं करता प्यार नहीं रक, ये रख अपने पास ज्यादा नहीं है और मेरे पास है मेरे पास नहीं होते मैं नहीं देता ठीक है कोई बात नहीं भाई और मैं आऊँगा अक्टूबर में ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅੱਛੇ ਸੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖਾ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੈਨਲ ਸਾਂਹੀ ਜੀ ਹੁਣ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ دیر ਮੈਂ ਖਲਵਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿਉਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਿਆ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਾਂਦਾ ਮੈਂ कोई बात नहीं अगली बार आऊंगा ना अच्छे से बैठ के खाना-वाना खाएंगे मजा करेंगे सारे काम छड़ के तुम्हारा टाइम गुजारना ठीक है कमन साथ बावन कावर दे बीच ठीक है भाई ठीक है ध्यान रखो सही अल्लाह फैद व्हाट्सएप डाउनलोड कर लेना फोन में मैं आओ बिल्कुल सारा गिरा के मैं ठीक है मैं करूंगा ठीक है तुम्हारा इस फोन पे मैंने सेव कर दिया